goes like ooh, ooh, yeah, yeah. And it goes like ooh, ooh. Is this what giving up feels like? I don't know. I don't know. हेलो माय फैमिली, गुड मॉर्निंग, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो पापा निकलने के बाद चाय बनाना है मुझे। और ये क्या है पता है? ये मम्मी यहाँ देकर रखती है रोटी, काक मीन्स कौवे, पायरा, शालिक पक्षी, सब लोग आते हैं यहाँ ये रोटी खाने के लिए। हर रोज मम्मी यहाँ देकर रखती है और वो लोग लेकर पर बैठ के खाते हैं। ऊपर देखो एक शालिक पक्षी भी है। और पापा का हमेशा जो अपने देखा ना पहले कि कुछ बैग जा रहा था, वो क्या था पता है? पापा एक दिन के लिए भी अगर घर आते हैं तो पापा का जितना भी फाइल्स होता है, पेपर्स होता है, हर एक चीज हमेशा पापा के साथ रहता है, क्योंकि घर में आके भी रुकते नहीं है और ऐसे ही बैठे नहीं रहते हैं, हमेशा ऑफिस का काम करते रहते हैं तो इसलिए एक दिन के लिए भी पापा अगर घर आते हैं और जब भी पापा वहां पर जाते हैं तब पापा को वो सब बैग्स, फाइल्स, पेपर्स वगैरह हमेशा पापा के साथ आता जाता रहता है। पापा का आज भी कोई मीटिंग है शायद, तो इसलिए यूनिफॉर्म पहन के गया। जो भी हो, मैं फटाक से अभी चाय बना लेती हूँ। दीदी गुड़िया अभी भी सो रही है। मैं उठी थी 7 बजे, उठने के बाद फ्रेश व्रेश सब कुछ होगी, बस चाय पीना है बाकी है। चाय और बिस्किट खा लूँगी, फिर शायद दीदी ड्यूटी जाएगी, गुड़िया मेरे पास रहेगी तो उसको भी संभालना है। उसको संभालना मतलब एक बहुत बहुत बड़ी काम है, क्योंकि वो इतने दिन पे दिन इतना ज़्यादा गुंडी हो रही है ना गुड़िया, क्या बताओ। तो वो सब बाद की बात है, अभी तो मैं पहले चाय बना लेती हूँ, ठीक है? मैं लगाई हूँ फेस में वो होम वाला रेमेडी एंड गुड़िया है मेरे पास। सो दीदी अभी रेडी हो गई है हॉस्पिटल जाने के लिए। कब से कब तक है तेरा? 11:05। दादा चले मना है, सीसीयू में है तेरी ड्यूटी। अब से दीदी जा रही है ड्यूटी, इवनिंग है उसका। एंड अभी से मेरे ऊपर, हाँ ठीक है, अभी से गुड़िया का फुल जिम्मेदारी मेरी। 11 से 3 बजे तक उसका है ड्यूटी, वो 3-3:30 बजे तक यहाँ पर आ जाएगी। ए, रुको मुंबू, ओ गिर जाओगे बेटा। हरकतें देखो इसकी। ये हाई फाइव मुंबू, हाई फाइव। गुड़िया के लिए ये सब कुछ अभी से बहुत ही हार्ड है कि मम्मी को छोड़ के रहना, और कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि दीदी का प्रोफेशन ही ऐसा है कि दीदी को जाना ही पड़ेगा। तो इसलिए क्या होता है ना, थोड़ा मतलब क्या बताऊँ, ये थोड़ा बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ता है और उसको संभालना बहुत ही एक बड़ी बात है, क्योंकि होता है ना कोई कोई बच्चा बहुत ही ज़्यादा मतलब हमेशा इधर उधर करती रहती है, वैसा वाला है गुड़िया। मतलब उसका मूड स्विंग्स होता ही रहता है, एक सेकेंड में उसका मूड स्विंग्स हो जाता है, तो इसलिए हम लोगों को समझ में नहीं आता वो किस चीज़ से एंटरटेन होगी। तो ये सब मतलब होता है ना, अभी से इस एज से उसके लिए ये सब बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, लेकिन कुछ कर नहीं सकते। थोड़ी बड़ी हो जाए फिर उसको भी समझ में आ जाएगा। कभी कभी क्या होता है ना, उसका जब तबीयत खराब रहता है तब वो हमेशा मम्मी के साथ मतलब दीदी के साथ चिपकी रहती है। एक सेकेंड कभी मतलब अगर दीदी यहाँ से यहाँ गई तो इतना ज़्यादा रोती है। जब उसका तबीयत खराब रहती है तब वो मतलब
कुछ ज्यादा ही पैम्पर हो जाता है ऐसा वाला। और दीदी को छोड़ के, दीदी जब घर पर रहती नहीं है, जब यहाँ रहती है, वो सिर्फ और सिर्फ मेरे से चिपकी रहती है। मेरा वो वाला पैक भी लगा हुआ है, मैं वो जाके धो लेती हूँ फटाफट से, एंड बस यही है। और फिर भी दीदी का आज ड्यूटी 11 से 3 बजे तक है, मतलब ज्यादा देर तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, फटाफट से टाइम हो जाएगा। दीदी जब रहती है तब क्या होता है ना, वो होता है ना, जब मम्मी पास में है, मम्मी है तो सब कुछ है ऐसा वाला, उसको भी लगता होगा ना। बट छोटी है अभी, उतना कुछ समझ में आता नहीं है, बस वो बड़ी हो जाए, मुझे ऐसा लगता है कि हाँ वो समझेगी कि उसकी मम्मी क्या करती है, उसका प्रोफेशन क्या है, ये सब समझ के वो रह जाएगी। बस अभी छोटी है ना, समझती नहीं है थोड़ा, फिर भी उसको थोड़ा मतलब इधर उधर मन हटका के, दीदी जब निकलती है ना हॉस्पिटल के लिए, तब दीदी को मतलब उसको डिटैच करना पड़ता है, उसको अलग रूम में लेकर जाना पड़ता है, ताकि वो मतलब दीदी के पास जाने की जिद ना करे। तो यही है बस, कभी कभी बहुत ज्यादा खराब लगता है जब दीदी उसको छोड़कर ड्यूटी जाती है। मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ है ना, मैं ना बहुत ही ज्यादा ऐसा वाला हूँ, मैं एकदम बचपन से मैं घर पर ही रही हूँ, और हमेशा मम्मी पापा ऐसा लगा ही रहता था, कहीं बाहर जाके मैं एक दिन के लिए रुकती नहीं थी मम्मी पापा को छोड़ के। बस क्या बताऊँ, मैं भी वैसा वाला ही थी। दीदी को वैसा मतलब फुल आदत है के लिए रहने की, मम्मी पापा को छोड़ के रहने की, लेकिन बचपन से मेरा ऐसा कुछ भी नहीं था। सच बताऊँ, मैं कहीं पर भी जाती थी, वहाँ मतलब रहने के लिए जाती थी, लेकिन बस कुछ घंटे रहकर मुझे ऐसा फील होता था कि मुझे मम्मी पापा के लिए बहुत ही ज्यादा मन खराब हो रहा है, मुझे घर जाना है। जो भी हो, चलो सैक्रिफाइस तो करना ही पड़ेगा ना सबको। दीदी को भी कभी कभी बहुत ज्यादा बुरा लगता है, मतलब तो क्या कर, वो तो कुछ कर नहीं सकती ना, और उसका ऐसा प्रोफेशन है कि वो कभी भी उसको इग्नोर नहीं कर सकती, कभी भी वो ऐसा वैसा करके नहीं, आज नहीं जाऊंगी, आज नहीं हो पाएगा, आज ये इतना रो रही है तो नहीं जाती हूँ, ऐसा वाला बोलने का उसको चांस भी नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है वो जो करती है। तो यही है और क्या। देखो अभी ये मूड़ी लेकर बैठी है यहाँ टेबल के ऊपर, मम्मी अभी उसको ऑयल मसाज दे रही है, कुछ ना कुछ हमेशा उसको एंटरटेन होने के लिए चाहिए हाथ के सामने। चलो खाओ मुनी, खाओ मुनी मुनी बाबा। नौटंकी देखो इसकी, नौटंकी देखो, नौटंकी देखो, ऐसे की बोलो। देखो हाल क्या है, पिछले 2 घंटे से मैं उसको सोलाने की कोशिश कर रही हूँ, सो ही नहीं रही है, पता क्या। इतना जिद्दी लड़की है ना ये, बहुत जिद्दी। और पैर देखो कहाँ है, वो भी पानी पीते पीते कुछ देख रही है, क्या कार्टून फेज, मतलब इतना अजीब अजीब चीजें देखती है ये। तो राग क्या ना मुंपो, किसे राग है तुम्हें? সেটা বলো জলদি সে, সেই অনুযায়ী তাহলে তোমার ব্যবস্থা করবো। বাইরে গিয়ে নীল ডাউন করে দাঁড়িয়ে থাকবো সেরকম তোমার ভালো লাগবে? থাকবো না, নীল ডাউন করে দাঁড়িয়ে রাখবো যদি তোমার ভালো লাগবে বলো, লাগবে না তো। खत्म, टाटा बाबा हो गया। बोलो बोलो बोलो। हम किसी कान
खूब राग होना है, खूब राग। तो अभी हो रहा है देर, ठीक है, बहुत देर से मैं उसको सुलाने की कोशिश कर रही थी, लास्ट तक जबकि वो सोई नहीं। मैं उसको जाके अभी मम्मी को देकर आई हूँ कि मम्मी थोड़ी देर के लिए आप संभालो उसको, मैं कुछ देर के लिए मेरा कुछ काम कर लेती हूँ फिर वापस ले आऊंगी। उसके बाद कुछ देर बाद दीदी भी आ जाएगी। अब सीरियसली बता रही हूँ, मैं कब से ट्राई कर रही हूँ कि प्लीज बच्चा सो जा, प्लीज बच्चा सो जा। उसको नींद आ रही है लिटरली, उसका आंख बंद हो रहा है। वो वाला उसको एक वीडियो चलाना होता है, क्या सब फिश वगैरह का क्या क्या सब वीडियोस होता है वो देखती है, और उसके साथ उसका वो बॉटल मुंह में रहता है, वो देखते देखते वो सो जाती है। लेकिन मतलब पूरा आंख बंद हो रहा था फिर भी वो नहीं सोई। फिर भी अब है मम्मी के पास, वो भी मम्मी के साथ अभी एंटरटेन हो रही है, तब तक मैं मेरा कुछ काम कर लेती हूँ बस। सो अभी हो रहा है 4:15। अब जाके गुड़िया सोई, थोड़ी देर के लिए मम्मी के पास है, मैं अभी जा रही हूँ उसके लिए थोड़ा एप्पल और खेजूर को बॉयल करने के लिए, क्योंकि सो के उठ के वो खाएगी, वो मतलब वही खाती है यूजुअली, तो इसलिए मम्मी है उसके पास और मैं सोच रही हूँ मैं उसके लिए वो उबल के रख देती हूँ ताकि सो के उठने के बाद ही उसको वो मिल जाए। अभी हो रही है 4:45, ठीक 1 घंटा सो लिया है गुड़िया ने, वो उठ गई है, उठ के मतलब लेटी है। अब मैं उसके लिए तब नहीं की थी, तब मैंने सोचा कि जल्दी करके रख दूँगी अगर खराब हो जाए तो अभी मैं आई हूँ उसके लिए एप्पल और खजूर को रेडी करने का। देखो उठ गई बच्चू, ओ बच्चू जाओ मोजा टा बोले ना, जाओ मोजा टा बोले ना। सुबह से मेरा स्कूटी चार्ज हो रहा था, चार्ज में लगाई थी मैं, चार्ज तो बहुत पहले बंद कर दी थी, लेकिन स्कूटी अब तक बाहर है। मैं इसलिए रखी थी बाहर कि मैंने सोचा था दीदी अगर जल्दी आ जाएगी तो मुझे मार्केट जाना है, कुछ चीज़ें लाना है तो मैं जाऊंगी, लेकिन ऑलरेडी बहुत रात भी हो चुका है, दीदी भी अब तक नहीं आई है, तो अब कल जाऊंगी फिर। अभी हो रहा है 6:15 और मैं और गुड़िया आए हैं चाय बनाने के लिए। मैं जब तक वो यहीं पर है, वो जब से है, जितने बार मैं चाय बना रही हूँ उतने बार मेरे गोदी में आके वो बैठ रही है और फर्स्ट टू लास्ट देख रही है कि चाय कैसे बनती है कि नहीं। देखो शाम को ब्रश कर रही है, देखो इसकी हरकतें देखो सिर्फ, यू बच्चा ऐसा। अभी तक दीदी नहीं आई है, बस आ रही है, रास्ते में ही है। क्या हो रहा है बेटा ये, उठो उठ जाओ। पूरी दिलो मम्मी लाइए मेरे लिए मैगी बना के। सो फाइनली अभी दीदी आ गई है, मेरे लिए रोल लाई थी, वही खा रही हूँ अभी। अब जाके गुड़िया थोड़ा शांत हुई क्योंकि उसको मम्मी आ गई।